गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग मैम. चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो साइंस है उसमें जो हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो चैप्टर 5 का हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, इसमें हाफ पोर्शन हम लोग पढ़ चुके थे और जो बाकी का रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम लोग आज फिनिश करेंगे. ओके, यस मैम. चलिए तो अब हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ओके मैम. तो आज हम लोग को पढ़ना है मेथड्स ऑफ सेपरेशन. अब जो हमारे मेथड्स हैं सेपरेट करने के वो कौन कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे. तो वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस. तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ सिंपल मेथड्स पढ़ेंगे जिनसे हम क्या कर सकते हैं, हमारे सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं. दैट आर मिक्स टुगेदर, जो भी क्या हुए हैं एक साथ मिक्स हो गए हैं. यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड्स वी यूज इन डे टू डे एक्टिविटीज. और जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज है उन हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में हम इस मेथड को यूज करते हैं. तो सबसे पहला हमारा जो मेथड है वो है हमारा हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं उनको हम किससे रिमूव करें, उनको हम हैंड से रिमूव करें. तो उसके लिए हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 2. ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन्स परचेज फ्रॉम आवर शॉप टू द क्लासरूम. अब क्या करिए, ग्रेन्स का एक पैकेट खरीद के लेके आइए क्लासरूम में. नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन अ शीट ऑफ पेपर. अब उन ग्रेन्स को एक पेपर शीट पे क्या करिए. Do you find only one kind of grain on the sheet? क्या आपको उस sheet पे सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के grains ही शो हो रहे हैं पेपर पे. Are there pieces of stone, has broken grains and particles of any other grain in it? और उसके साथ में क्या भी present है, या फिर stone के small small pieces present है और क्या प्रेजेंट है, ब्रोकन ग्रेन्स, हस्क और जो दूसरे ग्रेन के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, क्या इसमें प्रेजेंट है. नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन. अब क्या करिए, अपने हैंड से उस पीस ऑफ स्टोन को रिमूव कर दीजिए. हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट. तो उनको हम क्या कर सकते हैं, समय माइक म्यूट कर लीजिए अपना. तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे हैंड से उनको रिमूव कर सकते हैं. दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस एंड पल्सेस. तो ये जो हैंड पिकिंग मेथड है इसको हम लोग क्या करते हैं, समर बेटा अपना माइक म्यूट कर लीजिए. तो ये जो मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, हमारे ग्रेन से जैसे कि वीट राइस पल्सेस हो गए, इनसे हम क्या करते हैं, जब हमारे डर्ट को, स्टोन्स को रिमूव करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैंड पिकिंग.
The quantity of such impurities is usually not very large. तो ये इनकी जो क्वांटिटीज होती हैं हमारे ग्रेन्स में वो ज्यादातर ज्यादा ज्यादा बड़ी नहीं होती है, ज्यादा नहीं होती हैं. In such situations, we find that hand picking is a convenient method of separating substance. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा hand picking method था, ये क्या है? ये सबसे ज़्यादा convenient method है, मतलब कि easily method है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? हमारे grains को, beets को क्या कर सकते हैं? साफ कर सकते हैं. ठीक है? अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा थ्रेशिंग. अब थ्रेशिंग क्या है? यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ वीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप. जब भी हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं, मीन्स फसलों को काटते हैं, तो उनके क्या बना देते हैं? बंडल्स बना देते हैं. उनके स्टॉक्स के क्या बना देते हैं? बंडल्स बना देते हैं. The stalks are dried in the sun before the grains is separated from them. तो वो जो हमारे stalks होते हैं उनको हम सबसे पहले क्या करते हैं? Sun में, sun की जो heat होती है उसमें उनको dry करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं? उनमें से grains को हम अलग करते हैं. Each stalk has many grains. जो हर एक स्टॉल है, मींस हर एक जो फसल है उसमें ढेर सारे ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं. ग्रेन सीड अटैच्ड टू, जो क्या होते हैं? ग्रेन के सीड उससे अटैच होते हैं. इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड. अब क्या करिए, अब नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स को इमेजिन करिए. अगर हंड्रेड स्टॉक्स के बंडल्स हैं, उनमें ग्रेन सीड्स को इमेजिन करिए कितने ज्यादा होंगे. हाउ डज फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक. जो फार्मर है वो उन स्टॉक के बंडल्स में से उन ग्रेन सीड्स को किस तरीके से सेपरेट करेगा. वन मे प्लक मैंगोज और ग्वावास फ्रॉम द ट्री. जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग ग्वावास को, मैंगोज को क्या करते हैं? पेड़ों पे से प्लक करते हैं, मतलब तोड़ते हैं. बट ग्रेन सीड्स आर much smaller than mangoes and grapes. But जो grain seeds होते हैं वो क्या होते हैं? Mango से, grape से, mango से, guava से भी क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं. So plucking them from their stalk would be possible. तो क्या जो plucking method है, plucking का मतलब होता है तोड़ना, क्या जो ये जो तोड़ने का मेथड है ये हमारे लिए पॉसिबल है? क्या हम उन स्टॉक्स में से ग्रेन सीड्स को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते. हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक. तो हम उस स्टॉक्स में से ग्रेन सीड्स को कैसे अलग करें? द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक एक्सेट्रा इज थ्रेशिंग. तो ये जो मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को यूज करते हैं जिसमें हम ग्रेन सीड्स को, स्टॉक्स को सेपरेट करते हैं, इस मेथड को हम थ्रेशिंग बोलते हैं. इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स. इसमें हम क्या करते हैं, हम हमारे स्टॉक्स को बीट करते हैं और क्या करते हैं, ग्रेन सीड्स उससे क्या हो जाते हैं, लूज होके गिरना स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे कि आप लोग फिगर 5.4 देख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है, एक फार्मर है, वो क्या लिया हुआ है, उसने ग्रेन का स्टॉक लिया हुआ है और उसको क्या कर रहा है, स्टोन पे बीट कर रहा है ना. तो ये जो मेथड है यही हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा थ्रेशिंग कहलाता है. Sometimes threshing is done with the help of bullocks. कभी कभी जो threshing होती है उसको हम bullocks की help से करते हैं. Machines are also used to thresh large quantities of grains. और आज present time में, modern days में, हम लोग threshing के लिए machines का भी use
करते हैं और मशीन क्या करती हैं, लार्ज क्वांटिटी में जो भी ग्रेन्स होते हैं उनको ट्रेश करती हैं और ग्रेन सीड्स को सेपरेट कर देती हैं। अब तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने टू मेथड्स पढ़े थे, एक था आपका हैंड पिकिंग और दूसरा था आपका ट्रेशिंग। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड मेथड आता है विनोइंग। अब विनोइंग क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग एक्टिविटी 3 देखते हैं। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। क्या करिए, एक मिक्सचर बनाइए, किसका, ड्राई सैंड का, किसके साथ में, सॉडस्ट के साथ में या फिर ड्राई लीव के पाउडर के साथ में। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। इस मिक्सचर को क्या करिए, किसी प्लेट पे रखिए या फिर किसी न्यूज़पेपर में रखिए। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, और इस मिक्सचर को ध्यान से देखिए जो अभी आपने सैंड का और ड्राई लीव पाउडर का मिक्सचर बनाया था। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजली। ये जो टू डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं क्या वो एक साथ बाहर आ सकते हैं। आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर। क्या इन दो कंपोनेंट्स के जो इनके जो दो कंपोनेंट्स थे इनके पार्टिकल्स की साइज क्या सिमिलर थे, मतलब कि एक जैसे थे। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। क्या हैंड पिकिंग के थ्रू इन कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड। अब क्या करिए, आप अपने मिक्सचर को किसी ओपन ग्राउंड में ले जाइए और एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। और क्या करिए, किसी रेज्ड प्लेटफॉर्म पर भी ऊंची तरफ खड़े हो जाइए। Put the mixture in a plate or sheet of paper. और हमारा जो मिक्सचर था उसको कहाँ पे रखिए, एक पेपर पे रख दीजिए या फिर किसी भी पेपर की शीट पे रख दीजिए, प्लेट में रख दीजिए या फिर पेपर शीट पे रख दीजिए। Hold the plate or the sheet of paper containing the mixture. और क्या करिए, जो हमने शीट था, जो हमारा पेपर था, उसको क्या करिए, पकड़ लिए। At your shoulders height, कहाँ पे, हमारे shoulders की height तक उसको पकड़िए। Tilt it slightly, और उसको क्या करिए, थोड़ा सा tilt कर दीजिए, मतलब कि थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए। So that the mixture slides down slowly, जिससे क्या हो, जो हमारा मिक्सचर है वो धीरे धीरे क्या हो जाए, नीचे गिरने लगे। What happened? अब क्या होगा, Do both the components sand and sawdust fall at the same time? क्या जो हमारे दोनों components थे sand, sawdust, क्या वो same time पे, क्या वो हमारे एक साथ क्या हो रहे थे, एक साथ गिर रहे थे? मैम स्कूल तेज साइज से खुल रहा है ना बेटा, सामा जब नोटिस आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कूल कब से खुल रहा है, ठीक है? ओके मैम। इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे। क्या उसमें से कोई ऐसा कंपोनेंट था जो क्या हो गया था, ब्लो हो गया था, मतलब कि उड़ गया था। Did the wind manage to separate the two components? क्या जो wind थी, means हवा थी, क्या उन दोनों components को separate करने में उसने मदद करी थी? This method of separating components of a mixture is called a winnowing. तो ये जो method है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे मिक्सचर को विंड के हेल्प से अलग करते हैं, इस मेथड को हम विनोइंग बोलते हैं। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर।
तो ये जो मेथड होता है इसको हम यूज करते हैं जो हमारे हैवियर नीड, भारी और हल्के कंपोनेंट जब मिक्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, विनोइंग का यूज करते हैं, या तो विंड के हेल्प से या फिर ब्लोइंग एयर के हेल्प से। जैसे कि आप लोग फिगर 5.5 में देख सकते हैं, यहाँ पे एक वुमेन है वो एक स्टूल पे खड़ी हुई है और उसने क्या किया है, उसके पास जो उसके पास ग्रेन्स हैं उसने उसको एक शीट पे लिया है, उसको थोड़ा सा टिल्ट करा है और वो क्या कर रही है, विंड के हेल्प से उसको सेपरेट कर रही है। तो जितने भी हैवी ग्रेन्स हैं तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो जितनी भी हैवी ग्रेन्स है वो सारे क्या हो रहे हैं, जितने भी हैवी ग्रेन्स है वो सारे आपके नीचे की तरफ गिर रहे हैं, ठीक है। और जो भी हमारे जितने भी हैवी है वो सारे नीचे की तरफ गिर रहे हैं, और जो हमारे लाइटर सब्सटेंस है जो लाइटर मटेरियल्स है वो क्या हो रहे हैं, वो विंड के साथ में बिलो हो जा रहे हैं, मींस उड़ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम हमारे हैवियर और लाइटर सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। तो ये जो विनोइंग मेथड है इसको ज्यादातर कौन यूज करते हैं, इसको ज्यादातर फार्मर्स यूज करते हैं, जिससे वो क्या कर सकते हैं, उनके जो ग्रेन्स होते हैं वो हैवी होते हैं और जो हस्क होता है मतलब कि जो धान जो भूसा रह जाता है फसल काटने के बाद में उसके छोटे छोटे जो हस्क रह जाते हैं वो हल्के होते हैं, तो इस मेथड के थ्रू विनोइंग के मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं इसको सेपरेट कर सकते हैं। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द विंड। जो विंड होती है वो क्या करती है, हस्क पार्टिकल्स को कैरी कर देती है। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। और जो सीड्स होते हैं जो ग्रेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक हिप बना लेते हैं विनोइंग के, जो भी हमारा विनोइंग का जो प्लेटफॉर्म था उसके पास एक हिप बना लेते हैं ग्रेन्स का। हिप का मतलब होता है वहां पे क्या होता है, जितने भी ग्रेन्स होते हैं सब एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं। The separated husk is used for many purposes such as a fodder for cattle. और जो husk होता है उसको क्या किया जाता है, उसको collect कर लिया जाता है, उसको अलग करने के बाद में क्या कर लिया जाता है, collect कर लिया जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, वो animals के जो cattle होते हैं उनके fodder का काम करता है, means उनके खाने की तरह ये काम करता है husk। अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है सीविंग। अब सीविंग क्या है, समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर आवर डिश विद फ्लोर। तो जैसे कि आपका कभी कभी मन करता है कि हम क्या करें, हम कोई डिश बनाएं, किसके हेल्प से, फ्लोर के हेल्प से, फ्लोर का मतलब होता है आटा। We need to remove impurities and bran that may be present in it. तो हमें क्या करना होता है, हमें उसमें जो भी impurities और brans present होते हैं हमें उन्हें separate करना होता है। What do we do? तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, We use a sieve and pour the flour into it. तो हम क्या करते हैं, हम sieve का use करते हैं। सीव का मतलब होता है छलनी। मम्मी आपकी जब आटा छानती है तो छलनी का यूज करती है ना, तो सीव होता है हमारा छलनी। तो उस छलनी का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव व्हाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन टू द सीव। सीव में क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं,
तो उनमें से क्या होता है, जो फाइन फ्लोर होता है वो पास हो जाता है और जो बड़े इम्प्योरिटीज होती हैं वो उसमें रह जाती हैं। इन अ फ्लोर मील इम्प्योरिटीज लाइज हस्क एंड स्टोर्स आर रिमूव फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। जब हम फ्लोर बनाया जाता है, जब आटा बनाया जाता है मील्स में, तो उसमें जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे कि हस्क और स्टोर, वो वीट को ग्राइंड करने से पहले, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, पीसने से पहले ही क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ वीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव, और उसके बाद में क्या किया जाता है, जो स्लैंटिंग सीव होती है उसके हेल्प से उस वीट को डाल दिया जाता है बैग में, भर दिया जाता है। The sieving remove pieces of stones, stalks and husks that may still remain with wheat after threshing and winnowing. और जो सीव होता है वो क्या करता है, विनोइंग के बाद, थ्रेशिंग और विनोइंग के बाद उसमें जो भी इम्प्योरिटीज बच जाती हैं वो उसको भी उसमें से क्या करता है, रिमूव कर देता है। You may have also noticed similar sieves being used at construction sites. So, आपने notice करा होगा कि construction sites पे भी, जहाँ पे घर बनाए जाते हैं, वहां पे भी क्या होता है, sieves का use होता है। जैसे कि आप लोग इस figure में देख सकते हैं, जो एक labor है वो क्या कर रहा है, वो sand को सीव के हेल्प से क्या कर रहा है, उसमें से इम्प्योरिटी सारी रिमूव कर रहा है, ग्रेवल्स को रिमूव कर रहा है ना। तो ये जो मेथड है ये भी सीविंग मेथड है, किसके कर क्या करने के लिए, सैंड में से पेबल्स स्टोन्स को सेपरेट करने के लिए। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं हमारा एक्टिविटी फोर। एक्टिविटी फोर क्या कह रहा है, ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। आप क्या लाइए, अपने घर से सीव और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर लेके आइए क्लास में। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। जो हमारा फ्लोर है उसको क्या करिए, उसको सीव करिए, जिससे आप क्या कर सकें, उसमें जितने भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं उन सबको रिमूव कर सकें। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीस। आप क्या करिए, चॉक पीस का एक फाइन पाउडर बनाइए और उसको जो हमारा फ्लोर था उसके साथ में मिक्स कर दीजिए। Can we separate the floor and the powder chalk by sieving? The sieving के help से हम chalk powder को और floor को separate कर सकते हैं। Sieving is used when components of a mixture have different size. Sieving को हम तब use करते हैं जब हमारा जो components होता है उसमें जो मिक्सचर प्रेजेंट होता है वो अलग अलग साइज का मिक्सचर प्रेजेंट होता है, तब हम सीविंग को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और जब हम चॉक को और चॉक पाउडर को और फ्लोर को मिक्स कर देंगे तो उसको हम सीविंग के हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो अब जब ऐसे सब्सटेंस आते हैं, ऐसा मिक्सचर आता है, तो उनके लिए हम नेक्स्ट मेथड का यूज करते हैं, जो है हमारा सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन एंड फिल्टरेशन। अब सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन और फिल्टरेशन क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंडलिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो मिक्सचर होता है उसको हम विनोइंग के हेल्प से, हैंड पिकिंग के हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी अ लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। जैसे कि जो हमारे राइस होते हैं, पल्सेस होते हैं, उनमें डस्ट पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हाउ आर सच इम्प्योरिटी सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग।
कुकिंग करने से पहले तो हम राइस और पल्सेस में से इन सभी इम्प्योरिटीज को कैसे रिमूव करते हैं? राइस और पल्सेस आर यूजुअली कुकिंग, तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे राइस और पल्सेस होते हैं उनको कुक करने से पहले हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं। When you add water to these, जब हम इनमें वॉटर को एड करते हैं, the impurities like dust and soil particles get separated. तो इसमें जो भी dust particles हैं, जैसे कि यह हो गया आपका soil dust हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब remove होने start हो जाते हैं। These impurities go into water. ये जो impurities हैं, किसमें चली जाती हैं, water में चली जाती हैं। Which becomes a little muddy, जो क्या होता है, थोड़ा सा मडी हो जाता है, मतलब कि मटमैला हो जाता है। Now, what will sink to the bottom of the vessel, rice or dust? अब जो हमारा vessel है, जो हमारा बर्तन है, उसके बॉटम में क्या चला जाएगा, rice चला जाएगा या फिर dust जाएगा? Why and you have you seen that the vessel is still to pour out the dirty water? So, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम vessels को use करते हैं और थोड़ा सा tilt करते हैं ताकि हम क्या कर सके, जो dirty water है उसको remove कर सके। जैसे कि आप लोग जब किचन में अगर ने आप लोगों ने कभी काम करा होगा या फिर मम्मी को देखा होगा, वो राइस को और पल्सेस को क्या करती है, सबसे पहले वॉश करती है। वॉश करने के बाद में जो राइस होता है वो वेसल के बॉटम पे चला जाता है और जो वाटर होता है उसमें क्या होते हैं, जितने भी डर्ट होती हैं और जो भी इम्प्योरिटीज उसमें प्रेजेंट होती हैं वो लाइट वेट होती हैं, तो क्या होती हैं, वाटर के साथ में मिक्स होती हैं और क्या होती हैं, हम उस वाटर को रिमूव कर देते हैं हमारे ऑब्जेक्ट में से। तो व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड इट सेडिमेंटेशन। उसके बाद में जो हमारा हैवियर कंपोनेंट जैसे कि हमारा राइस है, जब वो क्या होता है, पानी में नीचे सेटल हो जाता है, मीन्स वेसल के बॉटम पे जब बैठ जाता है पानी के ऐड करने के बाद में, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। मीन्स वाटर ऐड करने के बाद में हैवी मटेरियल्स क्या होते हैं, वेसल के बॉटम पे बैठ जाते हैं, उनको हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। व्हेन द वाटर इज रिमूव, जब हम उस वाटर को रिमूव कर देते हैं उसको हम बोलते हैं डिसेंटेशन। Let us find a few other mixtures that can be separated to the sedimentation and desiccation. अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, उस दूसरे mixtures को find करने जा रहे हैं जो हमें किसका example देते हैं, sedimentation और desiccation का example देते हैं। तो आप लोग mark कर लीजिए page number 39। The same principle, यहाँ से हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके यस मैम, तो इतना आप सबको पता है, यस मैम। ओके तो 11 o'clock आपकी सेकेंड क्लास है, तो उसको ज्वाइन करेगा। ओके।